नमस्कार दोस्तों, कुछ चाइनीज ऐप बंद किए गए, तो मेरा सवाल है इस पर कि जो ये चाइनीज ऐप जो बंद किए गए हैं, उसमें आपने सुना होगा टिकटॉक का नाम, आपने सुना लाइकी का नाम, तो ये जितने भी चाइनीज ऐप हैं, उसके जरिए बहुत सारे युवाओं को एक तरह से रोजगार मिला था, जो घर बैठकर वीडियो बनाते थे और उससे पैसे कमाते थे। हाँ, ये ठीक है कि आपने बैन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे नजरिए में एक वैकल्पिक जो है ऐप बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को उस तरह की सुविधा देनी चाहिए और उस तरह से किया जा सकता है कि उस ऐप के बदले में कोई ऐसा ऐप दे जो उसी तरह का ठीक उसी तरह का प्लेटफॉर्म जो है जो युवा है उससे प्रदान करे। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के नजरिए में एक्टिंग करना या फिर तरह तरह की जो वीडियोस बनाना है, मनोरंजन के लिए जो वीडियो बनाना है, वो फिजूल हो सकता है, लेकिन वही फिजूल चीज किसी के लिए जो है प्रोफेशन है। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं और उससे अपना कमाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जब आपके देश में रोजगार की बात चलती है, आप रोजगार दे नहीं पाते हैं, बहुत सारे जो है ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो आप हर के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं, तो उसमें अगर कुछ लोगों को उस ऐप के जरिए जो है उनकी कमाई होती थी, लाइकी के जरिए होती थी, टिकटॉक के जरिए होती थी, काफी अच्छे रकम कमाते थे वो लोग, तो आपको एक वैकल्पिक जो है इस तरह का कोई ऐप बनाना ही चाहिए जिसके जरिए जो है उन्हें फिर से मौका मिल सके कि वो अपना कमाई कर सके, उनके लिए कुछ साधन उपलब्ध हो सके। तो इस पर भारत सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर।